x into cos h to power 4x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अगर आप ध्यान से देखो, एक पावर ऑड है और एक पावर इवन है, तो आपको ऑड को ब्रेक करना है। मतलब देखो, साइन क्यूब एक्स है ना, साइन क्यूब एक्स को लिख दो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और फिर क्या करो, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखो, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते ना वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन के बराबर होता है। तो अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स को यहां ले आओ तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां क्या करो, हमेशा याद रखना है ऑड पावर को ब्रेक करना है, इवन को नहीं करना, इंटू कॉस फोर एक्स। अब क्या करो, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन साइन एक्स होती है, तो कॉस एक्स को टी ले लो, तो टी ले लो, तो ये बनेगा डी टी बाय डी एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब माइनस को यहां ले जाओ, डीएक्स को यहां ले जाओ, माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डीएक्स। तो अब यहां हो, आपने क्या किया, सबसे पहले कॉस एक्स को टी लिया, ये बना वन माइनस टी स्क्वायर, फिर आपने कॉस एक्स को टी लिया, ये बना टी की पावर फोर, और फिर साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स जगह माइनस डी टी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करना, ये बनेगा माइनस टी फोर, और इसको माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटू टी फोर, टी सिक्स हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा टी फाइव अपॉन फाइव प्लस टी सेवन अपॉन सेवन, यहां पे टी की वैल्यू रिप्लेस करो, टी था कॉस एक्स, तो माइनस वन बाय फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस वन बाय सेवन कॉस सेवन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया।